हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आज मैं आपको जो है पोस्ट मिड टर्म में जो आपके चैप्टर 7 और 8 आने हैं उसकी मैं रिवीजन कराऊंगी, और आपको इसी रिवीजन के अकॉर्डिंग ही अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है चिल्ड्रन। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे चिल्ड्रन। सबसे पहले जो है आपको इंग्लिश की जो कॉपी है उसमें से आपको वर्ड मीनिंग आएंगे, क्लियर? तो वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन आपको जो लर्न करने हैं वो लर्न बहुत ही छोटे छोटे करने हैं। कोई भी बड़ा, जिसका आंसर बड़ा आ रहा है वो आपको लर्न नहीं करना है। इस तरह के छोटे छोटे करने हैं, जैसे कि बॉन्ड, इट मीन्स लिंक, और हिंदी के मीनिंग आपको इसमें जो है लर्न नहीं करने हैं चिल्ड्रन। ओके, ग्रस्ट, गेव अनविलिंगली, ऑब्वियस मतलब क्लियर, डिफेंस, फेवर, और आपका जो है कॉन्शियंस है, जैसे या इल कॉन्शियंस है इसका नहीं करना है, इल लक है अनफॉर्चुनेटली, क्लियर। और आपका ये आ जाता है सेल्डम, नियरली, रेयरली, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, कंसाइडर्ड, लुकड इन टू। ओके, इस तरह आपको ये जो छोटे छोटे वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन इसमें करने हैं। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से भी आपको बहुत ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग लेने हैं, ठीक है? किस तरह के देखेंगे एक बार, जैसे कि ओकेजन है, सेलिब्रेटेड है, इसमें ऑलमोस्ट जो आपके वर्ड मीनिंग है आई थिंक ये सारे ही छोटे छोटे हैं। तो आपको ये जितने भी वर्ड मीनिंग है ये आपको लर्न कर लेने हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्ड मीनिंग को हम जितना लर्न करेंगे उतनी हमारी जो वोकैबलरी है वो वास्ट होती है, क्लियर? तो आपको वर्ड मीनिंग को बहुत अच्छे से लर्न करना है चिल्ड्रन। अब आ जाती है क्वेश्चंस की बारी। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे चिल्ड्रन, आपको बता दूं कि आपके जो पोस्ट मिड टर्म एग्जाम में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको नहीं आने हैं। इसलिए जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे आपको लर्न नहीं करने हैं, क्लियर? वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट भी चिल्ड्रन आपको इसी चैप्टर में से बनकर आएंगे, जो 2 और 3 लाइनों से बने हुए होंगे। कैसे? देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। अब जैसी परिस्थिति चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है? जब सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जब जुम्मन की चाची जो है अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर देती है, तो जो जुम्मन है जिसने अपनी चाची से वादा किया हुआ होता है कि वो उसकी देखभाल करेगा वो भूल जाता है, और उसके साथ साथ जो उसकी वाइफ है वो उसको उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगती है, क्लियर? फिर आपका है वेन जुम्मन सांट रियलाइज दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, वट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। आप जैसा कि जुम्मन की चाची को यह एहसास हुआ कि अब उसके घर में कोई भी आदर सत्कार नहीं हो रहा है, तो उसने क्या सजेशन किया? जुम्मन सांट कुडंट बियर इंसल्ट इंसल्ट एनी मोर। अब जुम्मन की जो चाची थी वो इंसल्ट को ज़्यादा नहीं और सहन कर सकती थी। शी वॉन्टेड टू कुक हर फूड सेपरेटली। अब वो क्या कर चाहती थी कि अपना भोजन जो है अलग बना ले। शी डिमांडेड मंथली अलाउंस फ्रॉम हर नेफ्यू। अब वो अपने भतीजे से जो मासिक भत्ता यानी कि महीने का खर्चा वो अपने भतीजे से चाहती थी, ताकि क्या कर सके वो, ताकि वो जो है अपना खाना पीना अलग से बना सके, ठीक है? फिर आपका इसी तरह ये दो वेरी शॉर्ट हो गई। फिर आपका वेरी शॉर्ट में ये आ जाता है वाई वाज अलगू वंस नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब जब जो अलगू है, अलगू को जब अलगू क्यों अपसेट दुखी हो जाता है जब जुम्मन को हेड पंच के रूप में नामांकित किया जाता है? अलगू वाज अपसेट, अलगू इसलिए दुखी होता है बिकॉज जुम्मन वाज ऑलरेडी अनॉयड विद हिम, क्योंकि जो जुम्मन था पहले से ही उससे गुस्सा हो रखा था। सो ही थॉट जुम्मन वुड टेक हिज रिवेंज। तो उसने क्या सोचा कि अब वो पंच बन गया है तो अब उसका क्या लेगा, बदला लेगा, इसलिए उसे जो है थोड़ा वो दुख हुआ। अब इसी तरह वेरी शॉर्ट में आपका आ जाता है व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस लेसन। अब इस लेसन का मोरल क्या है? द पर्सन इन द सीट ऑफ ए जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट। चिल्ड्रन, कि जो भी व्यक्ति किसी मतलब जज की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो केवल न्याय करना ही जानता है। वो उसमें जब वो न्याय करता है तो उसे कभी भी अपना कोई सगा संबंधी दिखाई नहीं देता, केवल न्याय दिखाई देता है। ये थे इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका एक वेरी छोटी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी प्राइज डिड द बॉय विन, और उस लड़के ने कितने प्राइज जीते थे और वो कौन कौन से थे। आपको याद होगा जब मैंने वीडियो ये भेजी थी आपको, तो उसमें जब एक्सप्लेन किया था लड़के ने कितने प्राइज जीते थे, फोर जीते थे। वो कौन कौन से थे, एक तो कॉम थी, कंघा था, एक उसका फाउंटेन पेन था, एक रिस्ट वॉच थी और एक जो था टेबल लैम्प था। ये चार प्राइज जो थे उसने जो है सी जो थे उसने लिए थे, जीते थे। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों आपका। अब एक क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें, व्हाई डू यू थिंक राशिस अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। अब तुम क्या सोचते हो कि राशिद के अंकल ने उसे क्यों मना किया होगा कि मेरी उपस्थिति में कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि अंकल जानते थे कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ठीक है। वो एक छोटे बच्चे को कैसे चीट कर सकते हैं उन्हें पता है, इसलिए वो जो थे बच्चे को मना करके गए थे कि उसकी एब्सेंस में कुछ भी नहीं खरीदना है। देखो चिल्ड्रन, इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर केवल यहाँ तक है, द अंकल नो हाउ द क्लेवर शॉपकीपर कुड चीट अ लिटिल इनोसेंट बॉय, ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर आता है वो सारा का सारा आपके क्वेश्चन में से ही लिया गया है। क्लियर, इसी तरह अब ये तो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए, बहुत इजी हो गया ना। अब हम चलते हैं शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट भी बच्चों 4 से 5 लाइनों की तरफ हमें जाना है, उससे ज़्यादा हमें शॉर्ट बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्लियर, जब अब हम चले जाते हैं, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शंस व्हेन आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। अब जो गांव वाले थे उनका कैसा रिएक्शन था जब आंट ने अपनी सारी सिचुएशन उन्हें बताई। बच्चों जब भी हम किसी को अपना दुख बताते हैं तो आप ध्यान रखना, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, अदरवाइज वो हमारी बातों को सुनकर दूसरों को बताते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं और ये कहते हैं तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे करो, एटसेट्रा। अपनी अपनी बात देखकर वो हमारे ही दुख को जो है एक इशू बनाकर जो है उस पर हंसा करते हैं, ठीक है। तो इसे तरह उसकी चाची के साथ हुआ, द ओल्ड वुमेन वेंट टू सेवरल विलेजर्स टू एक्सप्लेन हर केस। अब जो ओल्ड वुमेन थी उसने गांव कई गांव वालों के पास वो गई और उसने अपने सारे जो सिचुएशन थी वो एक्सप्लेन की एंड गेट देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट जानना चाह। लेकिन बच्चों पता क्या हुआ, बट सम शोर सिंपैथी, कईयों ने तो केवल उन पर दया जताई, एंड सम लाफ्ड एट हर, कुछ उन पर हंसे, अ फ्यू एडवाइज्ड हर टू मेक पीस विद जुम्मन, और कईयों ने उसे सलाह दी कि तुम जुम्मन के साथ शांति से जियो, ठीक है। ये था नेक्स्ट है, वाई वाज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब जुम्मन जो था क्यों खुश हुआ जब उसे हेड पंच बनाया गया। अलगू एंड जुम्मन वर फास्ट फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अलगू और जुम्मन जो थे बहुत पक्के मित्र थे, और जुम्मन होप टू गेट द वर्डिक्ट ऑफिस पे इन हिज फेवर, इसलिए अब जुम्मन को क्या लगा कि अलगू को जो हेड पंच बना दिया है तो वो मेरी तरफ लेगा। नेचुरली ही फेल्ट हैप्पी व्हेन द आंट नेम्ड अलगू टू हेड पंच, इसलिए वो बहुत खुश हुआ जब उसको पता चला कि अलगू को हेड पंच जो है बनाया गया है। क्लियर, तो इस तरह जो है आपको इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको शॉर्ट में करने हैं। इसी तरह 9th में शॉर्ट में चल देते हैं हम, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक राशिस अंकल, ये तो मैंने आपको बताया वेरी शॉर्ट में आना है। इसी तरह आगे चलते हैं, एन ओल्ड मैन वोन अ क्लॉक एंड टू द शॉपकीपर हाउ मच मनी डिड ही मेक। अब ओल्ड जो मैन था उसने क्या जीता था, एक क्लॉक जीती थी और उसे बेचकर पैसे मिल गए थे, शॉपकीपर से वापस ले लिए तो उसने जीते थे। द ओल्ड मैन एडिड अप द नंबर्स ऑन 6 डिस्क। अब ओल्ड मैन ने जब 6 डिस्क को नंबर को जोड़ा, ही कोट अ ब्यूटिफुल क्लॉक मार्क 15 मार्क पर उसे जो है ब्यूटीफुल क्लॉक मिली। तो जब शॉपकीपर ने उसे खरीदा तो 15 रुपये ही उसको वापिस किए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक फूल ऑफ राशिद, किस तरह उसने राशिद को बनाया राशि टू ट्राई हिज लक। शॉपकीपर बार बार उसे चाल चलता रहा कि अपने लक को आजमाओ, अपने लक को आजमाओ। एवरी टाइम राशिद प्लेड द गेम ही कोट ओनली सम चीप
थिंग। हर बार जब भी वो इस गेम को खेलता तो उसे क्या बहुत कम पैसों की चीज मिलती, विच वॉज बोट बैक बाय द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर उसे खरीद लेता। इस तरह राशिद जो था अपने सारे पैसों को लॉस्ट करता गया। क्लियर चिल्ड्रन? इस तरह जो मैंने आपको रिवीजन कराई है, आपको एग्जाम की रिवीजन इसी तरह ही करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।